और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाक सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। कुछ लोगों को बंधक बनाने की जानकारी है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला जो है वो किया गया है, बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी है कि कई लोगों को वहां पर बंधक बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना के कैंप पर यह हमला किया गया है। हालांकि वो कौन सा आतंकी संगठन है जो इस हमले की जिम्मेदारी लेता है, अभी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 5 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान से, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के कैंप पर यह हमला किया गया, कुछ लोगों को बंधक बनाने की जानकारी भी अब तक निकलकर सामने आ रही है। और जो अपडेट है वो ये है कि हमले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि आप समझिए, पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया गया, बलूचिस्तान से ये खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी लगातार आपको याद होगा कि सेना के कैंप पर हमले किए जा चुके हैं, और अब जब बलूचिस्तान में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले की जानकारी है। अर्धसैनिक बलों के कैंप पर हमले की खबर मिल रही है, और इस धमाके के में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि अब ये जानकारी जुटाई जाएगी कि क्या ये जो धमाका हुआ है उसका सीधा तौर पर समझो है वो क्या इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा था वो है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि आखिर ये धमाका किस जगह पर हुआ, क्या अपडेट है, कितने लोग घायल? देखिए, अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहे हैं, जो पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी फ्रंटियर कोर का जो ऑफिस जहाँ पे ये सारे कैंप है, यहाँ पे एक अटैक होता है। अटैक होने के बाद बाकायदा इसको कैंप को अपने कब्जे में भी ले लिया गया है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की जानकारी बलूचिस्तान की से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हालात वैसी बहुत खराब है, और लगातार सेना के निशाने पे बलूच विद्रोही और टीटीपी और आईएस के, ये तीनों जो है पाकिस्तानी सेना के निशाने पे रहते थे, और उसके जवाब में ये तीनों लगातार इन पे जो है इस तरीके के अटैक करते थे। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि किसने इस अटैक को अंजाम दिया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि हो ना हो सकता है ये बलूच लिबरेशन आर्मी, जो बलूच